भारत के विविध और गतिशील राष्ट्र में क्षेत्रीय दल देश के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। आज हम क्षेत्रीय दलों की शक्ति पर प्रकाश डालते हैं और उनके प्रभाव, क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए उनकी मांगों और राष्ट्रीय राजनीति पर उनके गठबंधन के प्रभाव की जांच करते हैं। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दल एक बड़ी ताकत बन गए हैं और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। आइए उनकी शक्ति और प्रभाव की जटिलताओं को जानें। भारत विविध संस्कृतियों, भाषाओं और रुचियों वाला एक विशाल देश है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्रों की आकांक्षाओं की वकालत करने के लिए उभरे हैं। ये पार्टियां अपने लोगों की अनूठी चुनौतियों और विशिष्ट आवश्यकताओं को समझती हैं, जिससे राजनीति में अधिक सूक्ष्म प्रतिनिधित्व मिलता है। क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्रों के हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपने संसाधनों, संस्कृति और शासन पर अधिक नियंत्रण की मांग करते हुए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांगों को स्पष्ट करते हैं। स्वायत्तता की यह मांग इस विश्वास से उपजी है कि केंद्रीकृत निर्णय लेने में कभी कभी किसी क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं की अनदेखी हो सकती है। क्षेत्रीय दल कृषि क्षेत्रों में बेहतर सिंचाई सुविधाएं, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और स्थानीय उद्योगों के विकास जैसे विभिन्न कारणों का समर्थन करते हैं। उनका प्रभाव न केवल क्षेत्रीय संदर्भ में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी महसूस किया जाता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्षेत्रीय दलों के उदय ने राष्ट्रीय दलों को संसद में बहुमत हासिल करने के लिए गठबंधन और गठबंधन बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके लिए बातचीत और समझौते की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। रणनीतिक गठबंधनों और गठबंधन सरकारों के माध्यम से क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने में सफल रही हैं। उन्होंने अक्सर अपने अपने क्षेत्रों के लिए धन और संसाधन सुरक्षित करने के लिए अपनी सौदेबाजी की शक्ति का उपयोग किया है। जर्नलिस्ट क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति में गेम चेंजर साबित हुए हैं। उन्होंने प्रगतिशील नीतियों को आगे बढ़ाया है, क्षेत्रीय असंतुलन को संबोधित किया है और हाशिए पर पड़े समुदायों की आवाज रहे हैं। उनके प्रभाव के परिणाम स्वरूप अधिक समावेशी शासन और विविध क्षेत्रों के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। हालांकि क्षेत्रीय दलों की ताकत के साथ चुनौतियां भी आती हैं। आलोचकों का तर्क है कि क्षेत्रीय स्वायत्तता की उनकी मांगें कभी कभी राष्ट्र की एकता और अखंडता से टकरा सकती हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाना नीति निर्माताओं के लिए एक निरंतर चुनौती बनी हुई है। पॉलिटिकल कमेंटेटर हालांकि क्षेत्रीय दलों की निस्संदेह भूमिका है, क्षेत्रीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकजुटता के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सामंजस्यपूर्ण शासन और समग्र रूप से राष्ट्र की प्रगति के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के बीच प्रभावी बातचीत और समझ महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे भारत प्रगति और विकास की दिशा में अपनी यात्रा जारी रख रहा है, क्षेत्रीय दल बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में उभरे हैं। वे विविध क्षेत्रों और समुदायों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, समावेशिता पर जोर देते हैं और क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग करते हैं। व्यापक राष्ट्रीय हितों के साथ उनके प्रभाव को संतुलित करना भारतीय राजनीति के भविष्य की कुंजी है। भारतीय लोकतंत्र की समृद्ध परंपरा में क्षेत्रीय पार्टियां वे धागे हैं जो राष्ट्र के विविध ताने बाने को एक साथ जोड़ते हैं। उनकी शक्ति अपने संबंधित क्षेत्रों की अनूठी जरूरतों और आकांक्षाओं को संबोधित करने की क्षमता में निहित है, साथ ही राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं को भी सुझाने में निहित है। पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्रीय दलों ने भारतीय राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया है, हाशिए पर रहने वाले समुदायों के हितों की वकालत की है और अपने क्षेत्रों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। उनका प्रभाव उनके द्वारा लागू की गई परिवर्तनकारी नीतियों में स्पष्ट है। क्षेत्रीय पार्टियां भारत में राजनीतिक विमर्श को नया आकार देने में सहायक रही हैं। उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों को सामने लाया है और राष्ट्रीय पार्टियों को उन्हें संबोधित करने के लिए मजबूर किया है। इससे एक अधिक समावेशी और उत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हुआ है, जहां हर क्षेत्र की चिंताओं पर उचित ध्यान दिया जाता है। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव सिर्फ नीति निर्माण तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने मजबूत क्षेत्रीय पहचान बनाने, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्षेत्रीय विविधता का जश्न मनाकर इन पार्टियों ने भारतीय समाज के ताने बाने को मजबूत किया है। सोशियोलॉजिस्ट क्षेत्रीय दल जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाने और लोगों से सीधे जुड़ने में सफल रहे हैं। उन्होंने नागरिकों के बीच स्वामित्व और भागीदारी की भावना को बढ़ावा दिया है, जिससे उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए सशक्त बनाया गया है। यह नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण है। राजनीति ने स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया है। अपने व्यक्तिगत प्रयासों के अलावा क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय राजनीति पर अपने प्रभाव को अधिकतम करने के लिए गठबंधन और गठबंधन भी बनाए हैं। ये गठबंधन गेम चेंजर साबित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए विविध क्षेत्रीय आवाजों को एक साथ लाया है। क्षेत्रीय दलों द्वारा बनाए गए गठबंधनों ने भारतीय राजनीति में सत्ता की गतिशीलता को नया आकार दिया है।
उन्होंने सामूहिक सौदेबाजी के लिए एक मंच प्रदान किया है, जिससे क्षेत्रीय दलों को अपनी मांगों के लिए बातचीत करने और अपने क्षेत्रों के लिए संसाधनों को सुरक्षित करने में सक्षम बनाया गया है। इससे पूरे देश में संसाधनों का अधिक संतुलित और न्यायसंगत वितरण हुआ है। हालांकि किसी भी राजनीतिक इकाई की तरह क्षेत्रीय दलों में भी खामियां हैं। कुछ आलोचकों का तर्क है कि क्षेत्रीय दल दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों पर अल्पकालिक क्षेत्रीय लाभ को प्राथमिकता देते हैं। राष्ट्र के समग्र विकास और एकता के साथ क्षेत्र की जरूरतों को संतुलित करना एक सतत चुनौती बनी हुई है। पॉलिटिकल कमेंटेटर, जबकि क्षेत्रीय दल एक जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि उनकी मांगे और कार्य व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हों। मुख्य बात क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के बीच संवाद, सहयोग और सर्वसम्मति निर्माण को बढ़ावा देना है। केवल तभी हम ऐसा संतुलन बना सकते हैं जिससे दोनों क्षेत्रों और पूरे देश को लाभ हो। जैसे ही हम क्षेत्रीय दलों की शक्ति की अपनी खोज समाप्त करते हैं, हमें भारत के राजनीतिक परिदृश्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करना चाहिए। इन पार्टियों ने विविध क्षेत्रों की आकांक्षाओं को आवाज दी है, क्षेत्रीय स्वायत्तता की वकालत की है और राष्ट्रीय राजनीति की रूपरेखा को नया आकार दिया है। अगली बार हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम राजनीति और शासन की जटिल उलझनों को उजागर करना जारी रखेंगे। तब तक सूचित रहें और व्यस्त रहें। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।